दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम वोडाफोन आइडिया की नई सर्विस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने नई सर्विस यहाँ पर लॉन्च कर दी है। दोस्तों क्या है कि अगर आप नेट से रिचार्ज नहीं करा पा रहे हो, आपको नहीं करना आता है नेट से रिचार्ज, तो दोस्तों आप किसी नज़दीकी एटीएम पर जाकर आप वोडाफोन आइडिया का यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हो बड़ी आसानी से। पर इसके लिए वोडाफोन आइडिया ने SBI बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टैंडर्ड बैंक, इसके अलावा और भी बैंकें हैं यहाँ से आप कर सकते हो। हालांकि SBI बैंक तो आपके पास में मिल ही जाएगी, तो आप यहां से जो है वोडाफोन आइडिया का रिचार्ज अपने एटीएम से कर सकते हो अगर आप नहीं करा पा रहे हो नेट से। तो ये सर्विस खास तौर पर उन लोगों के लिए यहां पर लॉन्च की गई जो नेट से रिचार्ज नहीं कर सकते। तो हम बात करते हैं कि 51 रुपये में 6 GB डेटा दोस्तों यहाँ पर कैसे मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे लोग जो है घर पर काम कर रहे हैं और साथ ही में यहाँ पर अगर उन्होंने डेटा प्लान यहाँ पर करा रखा है आपने यहाँ पर, जिससे कि मान लीजिए जियो कर अगर सिम यूज़ करते हो, यहाँ पर आपने 555 वाला करा रखा होगा 3 महीने के लिए, या फिर कोई भी प्लान यहाँ पर ले रखा होगा, तो उसमें की एक लिमिट होती है यहाँ पर कि 1.5 GB डेटा यहाँ पर आपको मिलेगा। और 1.5 GB डेटा की लिमिट ख़त्म होने के बाद में आप परेशान हो जाते हो कि क्योंकि ज़्यादा यूज होता है तो पूरा 1.5 GB आप ख़त्म कर दो, तो उसके बाद में आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आज हम ऐसे आपको 4G डेटा वाउचर के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको 51 रुपये की में 6 GB डेटा आपको मिल जाता है, जो कि जो एग्जिटिंग प्लान है आपकी उसकी उसकी वैलिडिटी कोई भी नहीं है। जब आपका प्लान खत्म होगा साथ में वो डेटा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बात करते हैं वोडाफोन के 4G डेटा वाउचर की। अगर आपका डेटा यहाँ पर वोडाफोन में समय से पहले यहाँ पर खत्म हो गया, तो यहाँ पर आपके लिए आता है 16 रुपये का बाउचर, जिसमें आपको 1 GB डेटा 24 घंटे के लिए यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा हम दूसरा 4G डेटा वाउचर की बात करें तो ये आता है आपका 48 रुपये का, जिसमें आपको यहाँ पर 3 GB 4G डेटा 4G डेटा यहाँ पर आपको मिल जाता है। और इसकी वैलिडिटी की बात करें तो यहाँ पर इसकी वैलिडिटी आपको 28 दिनों की यहाँ पर मिलती है। और वही अब बात करें हम एयरटेल के 4G डेटा वाउचर की, तो एयरटेल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 48 रुपये में 3 GB डेटा मिल जाता है, जिसकी वैलिडिटी यहाँ पर सेम वोडाफोन की तरह 28 दिनों की यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में हम यहाँ पर जियो की। दोस्तों जियो की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 डेटा वाउचर मैं ऐसे बताने वाला हूँ जो दोस्तों जियो के सबसे पॉपुलर 4G डेटा वाउचर हैं। तो यहाँ पर पहले वाउचर की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है 21 रुपये का आता है, इसमें आपको 2 GB डेटा यहाँ पर मिल जाता है, साथ ही यहाँ पर 200 नॉन जियो नंबर पर कॉलिंग करने के लिए मिनट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और वहीं दोस्तों सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो उसकी वैलिडिटी वो आपके एग्जिटिंग प्लान पर निर्भर करती है, यानी उसकी वैलिडिटी जब खत्म होगी तभी जो है इसकी वैलिडिटी यहाँ पर खत्म होगी। बात करें हम दूसरे प्लान की तो ये आता है 51 रुपये का, जिसमें आपको यहाँ पर 6 GB डेटा यहाँ पर आपको मिल जाता है, इसकी भी सेम वैलिडिटी आपके एग्जिटिंग प्लान पर निर्भर करती है, जब वो खत्म होगा तब ये वैलिडिटी आपकी खत्म होगी। साथ ही यहाँ पर आपको 500 नॉन जियो नंबर पर कॉलिंग करने के लिए मिनट आपको मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। और दोस्तों अगर हम वोडाफोन और एयरटेल के यहाँ पर 4G डेटा वाउचर्स को कंपेयर करें जियो से, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बेस्ट वाउचर यहाँ पर जियो के निकल के आते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वैलिडिटी जो है वो यहाँ पर हमें अपने प्लान के अकॉर्डिंग मिलती है। और यहाँ पर इनकी वैलिडिटी जो है वोडाफोन एयरटेल में क्या क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हो ना 48 में 3 GB दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वैलिडिटी उसकी दी गई है 28 दिनों के लिए, साथ में हमें कोई भी मिनट्स नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर जियो में आपको यहाँ पर मिनट्स भी मिल जाते हैं, साथ ही यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो एग्जिटिंग प्लान के ऊपर निर्भर करती है, तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर जियो की तरफ से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करके जाएगा, साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। उनके लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।